तय कहना चाहूँगा कि कानून दो शब्द हैं, सम्मान और भय। कानून का सम्मान और कानून का भय। मेरा ये अनुभव रहा लाइफ का, जीवन का, इस न्यायाधीश के रूप में, कि आदमी के दिमाग में कानून का सम्मान होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। भय तो कभी और ख़त्म हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, छोटा सा, रेड लाइट चौराहे पर अपन जब गाड़ी लेके खड़े होते हैं, रेड लाइट होती है कई बार, है ना, जिस समय एक सिपाही कॉन्स्टेबल खड़ा होता है चौराहे पर, किसी की हिम्मत नहीं होती इसको क्रॉस कर जाए रेड लाइट को। लेकिन जब कॉन्स्टेबल नहीं होता तो अच्छे अच्छे लोग गाड़ी लेकर रेड लाइट में निकल जाते हैं। ये क्या चीज़ हुई? भय हुआ कि आपके दिमाग में कि किसका भय है? कॉन्स्टेबल का। एक कॉन्स्टेबल से आप में, हमारे अंदर सेल्फ रेस्ट्रेंट की कमी है, आत्मकंट्रोल की कमी है। हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमने अपनी औकात एक सिपाही के इससे भी कम रख रखी है। एक सिपाही से हम इतना डरते हैं कि जो खड़े जब तक वो लगन नहीं करते हैं, और जब वो नहीं होता तो हम रेड लाइट निकल जाते हैं। तो ये हमको सम्मान होना चाहिए कानून का, नहीं मुझे रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी है, क्योंकि कानून है तो नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। आप चाहे तीन कोई चौराहे पे कोई नहीं हो, आप अकेले हो, आप रेड लाइट पर खड़े रहिए, फिर ग्रीन हो जाओ निकले। तो ये बात जब तक दिमाग में नहीं आएगी अपने, सम्मान जब तक कानून का नहीं होगा, अपन देश में अपराध कम नहीं हो सकते। इसलिए हमारा दायित्व बनता है समाज में कि हम लोगों को बताएं कि सम्मान करो कानून का। जो भी कानून बनाए देश के अंदर उसका सम्मान होना चाहिए। भय अलग चीज़ है। भय तो आप किसी कारण से जिस दिन आपको भय खत्म हो जाएगा तुरंत कोई कानून बोलने की सम्मान होगा। हम जैसे हमारे माता पिता का सम्मान करते हैं, क्या कभी हमने पिता का हाथ उठाया, माँ का हाथ उठाया? नहीं उठाया, क्योंकि उनको सम्मान करते हैं बचपन से। लेकिन भय जिसका होता है, पड़ोसी का भय, कभी जिस दिन भय खत्म हो जाता है, झगड़ा होता है, उसको मार देते हैं, झपट मारपीट कर देते हैं उससे, क्योंकि भय खत्म हो गया। लेकिन माता पिता के प्रति जो जिनके प्रति हमारा सम्मान होता है, उसको आप उल्लंघन नहीं करते उस चीज़ को। तो आप अपने सब लोगों को, अपने मिलने वालों को, बच्चों को, समाज के दोस्तों को बताएं कि जो भी हमको कानून का सम्मान करना चाहिए देश का, जबकि हम समाज में कानून व्यवस्था को सुनिश्चित रूप से चला सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हम देश में हैं, देश के नागरिक हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए करे, ये करे, मेरे ये अधिकार हैं, मेरे वो अधिकार हैं। सबको मानता हूँ अधिकार हैं, हमारे संविधान के अंदर है, सारे अधिकार हैं, बहुत सारे अधिकार हैं। लेकिन हमारे को दायित्व भी तो है समाज के प्रति, देश के प्रति, वो नहीं है। उसके बारे में हम कभी चर्चा करते हैं आपस में कि यार आपको ऐसा नहीं करना चाहिए समाज में, देश के प्रति आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपन सार्वजनिक संपत्ति को आगे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? किसकी संपत्ति हो? आपकी है, मेरी है, किसी की नहीं? सबकी है, कॉमन संपत्ति है, देश की संपत्ति है। देश लोग कहते हैं गवर्नमेंट की संपत्ति, गवर्नमेंट को अलग ही क्या, गवर्नमेंट हम ही तो लोग को गवर्नमेंट है। सरकार कौन है? हम लोग की सरकार है। आज जो भी सरकार भारत में, वो अपन लोगों की सरकार है। बीजेपी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार, इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार मीन्स हम सबकी द्वारा चुनी गई एक सत्ता, वो सरकार है, उसके हम भी अंग हैं जिसको हमने चुना है। हम सार्वजनिक संपत्ति को झट आग लगाए थे गुस्से मांगे। आप अपन नहीं देखते कि अपनी संपत्ति, ये पैसा अपना है, अपना जो टैक्स दे रहे हैं, जो अपन योगदान सरकार को किसी भी रूप में कर रहे हैं, सेवा के रूप में, उससे वो उसका प्रतिफल है, उसको हम जला रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो ये बातें हमको दिमाग में रखनी पड़ेगी। हमारे बहुत सारे दायित्व हैं समाज के अंदर, यही नागरिक होने के नाते तो हमको अपने दायित्व पे, हमारे जो कर्तव्य है उस पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। किस देश को सुधारने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए नागरिक को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, अपना जो क्या दायित्व है, कर्तव्य है। अपन ने बड़े बड़े भारत, अभी पिछले 4-5 साल में भारत में बड़े बड़े बलात्कार केस हुए हैं, वो निर्भया वाला कांड हुआ, कई कांड हुआ। तो निर्भया वाले कांड के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जब उस लड़की से बलात्कार करके उसको वहाँ फेंक गए थे वहाँ पे बस में से, वो लड़की वहाँ पड़ी रही, निर्वस्त्र पड़ी रही, कई घड़ी निकल गई वहाँ से, किसी ने रुक के नहीं कहा, किसी ने उठाया नहीं, किसी ने पुलिस को फोन नहीं किया। बाद में कोई ऑटो वाला था, उसने रुका, उसका रुक के उसको लेके गया, अपने शर्ट खोल के डाली उसके ऊपर। इतने लोगों ने क्या किया? उनका दायित्व नहीं था समाज में कि वो रुकते उस वहाँ पे, जिस समय झगड़ा होता है, जिस समय उसको बलात्कार होता है, बस पे देखते हैं, खर्च करते हैं, चलो कोई बात नहीं, वो चले गए करके। उसके बाद वो पड़ी रही थी, जब तक कोई उनकी घड़ियाँ निकल गई, आपने देखा होगा जितना मामला इतने चर्चे कांड। तो ये हमारा दायित्व नहीं था समाज। हम कहते हैं छोटा दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बस के अंदर किसी लड़की को छेड़ता है तो क्या कोई आदमी बोलता? कोई नहीं बोलता। मैं खुद कह रहा हूँ आपको, कोई नहीं बोलता, कोई को रोकता है कि कुछ कोई छेड़ता है लड़की को? नहीं, बैठे सब चुपचाप। और जब जब बात पड़ जाएगी, जब मामला बारू आ जाएगा, फिर सब लोग चिल्लाएंगे, कैंडल लेके घूमेंगे, फिर पड़ गई ऐसी बात है, तुम आगे क्यों बढ़ने देते हो? कोई लड़का लड़की को छेड़ रहा बस के अंदर, कोई बात करो भाई लोगों को, आप सब खड़े हो जाओ, सारो पकड़ो उसको, पुलिस को हैंडल करो। तो ये अपने दायित्व है, उसको अपन सब अवॉइड कर रहे हैं। ये अपन लोग इस बात को नहीं समझते हैं। अपन लोग सारा तो सरकार को कर देते हैं, सरकार ने ऐसा कर दिया, पुलिस ने ऐसा कर दिया, पुलिस भी कितनी लगेगी बताओ आप? हर आदमी में पुलिस लगा नहीं लगा सकती, और लगा सकती है, हर जगह पुलिस खड़ी नहीं कर सकती। कितनी पुलिस लाएगी इनको? आप पे मेरे को समझिएगा, पुलिस खड़ी करेगी ना, हाथ में पुलिस खड़ी सबकी रक्षा करेगी, नहीं कर सकते ना।
हर चीज की लिमिटेशन है, गवर्नमेंट की भी लिमिटेशन है। अपन गवर्नमेंट में जाएंगे अपनी अपन को पता पड़ेगा कितनी प्रॉब्लम गवर्नमेंट के साथ है। सब पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल है, इनको अपन ध्यान रखते हैं, अपन अपने दायित्व को नहीं निभाते हैं और अपन सारा दोष सरकार पर बढ़ देते हैं। अब बिजली पानी की बात बताऊँ मैं, अपने घर में नल टपकता रहता है, ध्यान देता है, सड़क पर नल टपका, अपन गए वहाँ प्याऊ पे गए नल टपका, कोई कोई देखता नहीं, टपकने का कोई बात नहीं। और पानी अपने देश का पानी है, कुछ जगह पानी नहीं मिला लोगों को पीने के लिए और अपन उसको वेस्ट कर रहे हैं। बिजली जल्दी ही बिना बात वो रोड लाइट जलती रहती दिन में, कई बार तो मैं उतर के बंद करता हूँ। मैंने ये क्या तरीका, मोहल्ला वालों की ड्यूटी है, रात दिन हो गया तो उसको बंद कर दो। वो अपने देश की प्रॉपर्टी है, जो लाइट अपनी देश की प्रॉपर्टी है, पानी अपना वो अपन लोगों ने उसको यूज़ करना है। अपन उसको आज वेस्ट कर देंगे तो दूसरे अपने भाई भी क्या यूज़ करेंगे उसको। गाँव में लोगों को बिजली नहीं, पानी नहीं, बेचारे परेशान हो रहे हैं, उनकी भी सोचो ना। आप जो आदमी बैठे हो बिना जो उसकी तरफ से आपको वेस्ट करना है, ये छोटी छोटी बातें हैं, अपने बहुत ज़्यादा बातों को ध्यान देना पड़ेगा समाज के अंदर। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, वो कानून संबंधित है। अपराध जो होता है, जो भी अपराध होता है, अपराध की कोई स्टेजेज होती है, धीरे धीरे बढ़ती पड़ता है। कभी आप अपने घर में आपके आसपास कभी ऐसा को आवाज़ होता है कि अपराध की वो अग्रसर हो रहा है, मामला कोई ऐसा होता है कि बाद में कोई बड़ा अपराध कर सकता है, तो इनिशियल स्टेज पर उसको आप रोकने की कोशिश करें। टूटनी बिंदे बड़े कहावत अंग्रेजी में, किसी चीज़ को प्रीमेच्योर स्टेज पर दबा देना। तो अपन को जैसे साउथर्न इंडिया आता है, देखते हो सीरियल, देखते हो साउथर्न इंडिया, उसमें ये बात बताई जाती बार बार, वो छत में देखता हूँ उसको, उसमें सारे किस्से पूरा जो रियल कहानियाँ होती हैं उनको सच्ची कहानियों पर बढ़ाते हो। और उसमें ये बार वो आदमी आके कहता है, जो उनका जो एक पता है बाद में एंकर आता है, बात पर कहता है कि आप साउथर्न हो, साउथर्न इंडिया का मतलब है कि कोई चीज़ आपको लग रहा ही हो सकता है, उसके आप पहले प्रिकॉशन हो पहले। जैसे आपके घर में, आपके समाज में, आपके मेरे बारे में किसी लड़की के साथ जाती हुई हुई कोई दहेज मांग रहा, हस्बैंड धीरे धीरे मांग बढ़ाता जा रहा बढ़ाता जा रहा, तो आप समझो कि ये कोई बात आगे बढ़ेगी, इसलिए आप उसको शुरू में उसको ऐसा इलाज करो, ऐसी अपना प्रयास करो कि आगे बात ना बढ़े, तो आगे बात ना बढ़े। आप दामाद लालची प्रकृति का है तो उसको आप समझाएं, है ना, ऐसी स्टेज ना रहते कि बात उसके आप उसके लालच को बढ़ाते जा रहे हैं, उसकी मांग पूरी करते जाए धीरे धीरे धीरे, और जब उस अच्छी मांग पूरी नहीं होगी आपकी लड़की को मार दें, वो स्टेज मत बांध दो आप, क्योंकि इसमें इज्जत वाली बात नहीं होती। कभी इज्जत अलग चीज़ है, जब आपकी आपने अपनी लड़की बहन को खो दिया आपकी क्या बचा आपकी, इसमें इज्जत की कोई बात नहीं है। यदि कोई आपकी गलत है तो उसका विरोध करो, उसको उसकी इच्छा पूरी मत करो, उसको आगे मत बढ़ने दो। और जब आपको लगता है ये हो सकता है तो वहाँ उसको रोको, चाहे उसको आप बहन को अपने घर ले आओ, उसको डाइवर्स कराओ, जो भी लीगल रेमेडी आपको लेनी हो, समाज से मत डरो। समाज से आपको कोई लेना देना नहीं है इस मामले में। जब अगर जिस दिन आपकी लड़की ने आत्महत्या कर ली तो आपकी तो लड़की चली गई, तो कितना बड़ा आपके लोग से लाइफ अंदर, तो आप समाज की वजह से कि आप एक बात को दबाए जा रहे हो, कभी मत दबाओ। दूसरी बात मेरा कहना है, अपराध होता है कई बार, तो अपराध करने के अपराध को दर्ज कराने के तरीके बता रहा हूँ आपको, कि या तो एफ आई आर दर्ज कराओ थाने में जाकर, थाने वाले कई बार एफ आई आर नहीं लेते, ज़्यादा कोशिश ये करते, वो ज़्यादा अवॉइड करते हैं इस चीज़ को, जैसे आम आपको सब पता है। तो उसका दूसरा तरीका है कि आप एक रजिस्टर बना के उसकी उसको जो भी आपकी रिपोर्ट है उसको आप रजिस्टर लिख के रजिस्टर एडिटी से एस पी को भेज दें, एस पी उस पर अपनी कार्रवाई कर सकता है, उसको दर्ज करा सकता है। वो भी अगर आप फेल हो जाता है आपका तरीका, तो तीसरा तरीका कोर्ट में आने का, आपको आप इस तरह से पेश करें कोर्ट के अंदर, वकील साहब के पास आएँ, वकील साहब उसको पूरे अपनी बात को बताएं, वो आपको ड्राफ्ट करेंगे, ड्राफ्ट करके इस तरह से कोर्ट में पेश करेंगे मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट के पास दो विकल्प हैं, या तो उसको 156 दिन में पुलिस को भेज देगा, एफ आई आर दर्ज होगी, जाँच होगी, और जो भी नतीजा होगा चला होगा चला जाएगा और नहीं पड़ जाएगी। अगर आपको लगता है कि नहीं पुलिस में भी कोई मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब इसको आप खुद ही अपने स्तर पर इसकी कार्रवाई करें, तो मजिस्ट्रेट उसमें खुद बयान लेंगे फरियादी के गवाहों के, उसके बाद वो अपनी कार्रवाई करेंगे। अब केस जब चलता है तो आपको लोगों में क्या होता है, एक तो क्या जब एफ आई आर दर्ज करता है आदमी, कोई भी घटना घटती है तो उसकी सत्यता लिखो उसमें। जैसे आपकी चेन चोरी चली गई, अब आदमी क्या करता है केस को मोटा करने के लिए, साहब बहुत तगड़ा हो जाएगा केस मेरा, तो क्या करेगा, एक चेन भी चली गई साहब, दो 10,000 रुपये भी चली गए, मतलब साहब मेरा एक घड़ी भी चली गई, झूठी बातें लिखाता है। ये झूठी बातें आपको कब दुख देंगी, जब आप जिले में जाएंगे विटनेस बुक्स में जमा होगा, ओके वकील साहब से जिले करेंगे, फिर आपकी सत्यता टूटेगी, क्योंकि आप झूठे हो, झूठ की पेड़ नहीं होता है। और आप वकील साहब जो दो चार प्रश्न आपके पूछे जिले में, आप टूट जाओगे और आपका केस चौपट हो गया। जो चेन आपकी रही थी, चेन तो एक तरफ चल गया, वो केस वो मजबूत संदेह का लाभ मिल जाएगा, भरी हो जाएगा। इससे बड़े थे वो चेन पे ही आप डिबेट, चेन का ही बात सत्यता की बात लिखते टिके रहते, चेन की बात कहते, तो उस पर जो आप जिले वकील साहब करते हैं तो आप नहीं टूटते सत्यता, क्योंकि आपकी सत्यता थी, आपकी चेन ही भेजी थी। अब वो 10,000 का आप पूछेंगे कहाँ से लाया था, अब आप कहाँ से बताओगे, आप उल्टा सुल्टा बोलोगे रामलाल से लाया था, रामलाल से रसीद दिखाओ, मैंने इतना आपको इतना परेशान हो जाओगे जेल विटनेस बॉक्स में कि आपका सारा केस बिगड़ जाएगा। तो सत्यता
रखनी है, जो भी बात हो सत्य लिखो। दूसरी बात, ज़्यादा लोग कहते हैं कोर्ट में झूठी गवाह देने से लगता है, कभी झूठी गवाह मत दो कोर्ट के अंदर, जो बात सत्य है उसको उस पर बोलो, आपको जो 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 आप पता वो बताओ, क्योंकि जहाँ आप सत्य रास्ता हटोगे वह आपका केस वीक हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातें, एक बात कहना चाहूँगा, जैसे एक्सीडेंट होता है कई बार, तो लोग क्या गुस्से में जाओ गाड़ी को चला देंगे, ड्राइवर को मारे गए, क्या मतलब है, आप गाड़ी का नंबर नोट करो, ड्राइवर को पकड़ो, पुलिस को हैंड ओवर करो, गाड़ी भग गई है तो कोशिश करो तो नंबर नोट करो, आप मेन काम वो है, तभी तो गाड़ी पकड़ पाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें जिसका आपको सबसे समाज में अपने को जो है कानून को बनाए रखने के लिए हमारा बहुत दायित्व है, हम सब लोगों का सबसे बड़ा दायित्व यह है, हम सरकार को दोष नहीं दे सकते, हमको सबको मिलकर एकजुट होकर कानून की सहायता करनी पड़ेगी, और जब जाके हमारे देश में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से सकती है और हम अच्छे नागरिक के रूप में हमारे देश के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं, इतना ही मैं कहना चाहूँगा।